बरसों बाद आज दरभंगा के क्यूटी प्रखंड के पत्रकारों के लिए उनका सदन मिल गया। आपको बता दें कि पूर्व MLC सुनील कुमार सिंह के ऐच्छिक कोष से निर्मित सभागार भवन में यहां टेबल, आधा दर्जन कुर्सी, पंखा सहित एक कमरा पत्रकार सदन के रूप में प्रखंड पत्रकार संघ को सौंप दिया गया है। जी हां, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा जिला से आ रही है, जहां दरभंगा के केवटी प्रखंड क्षेत्र के पत्रकारों का आज सदन मिल गया है। आपको बता दें कि 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रखंड पत्रकार संघ को बड़ी उपलब्धि मिली है, हासिल हुई जब BDO महताब अंसारी द्वारा प्रखंड परिसर स्थित पूर्व MLC सुनील कुमार सिंह के ऐच्छिक कोष से निर्मित सभागार भवन में टेबल के साथ साथ कुर्सी, पंखा लगाकर पत्रकारों को सौंप दिया गया। पत्रकार सदन का उद्घाटन BDO महताब अंसारी, CEO गंगेश झा, थाना अध्यक्ष रानी कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर पत्रकार संघ की चाबी संगठन के संरक्षक शिव कुमार लाल को सौंप दिया है। संगठन के संरक्षक शिव कुमार लाल अध्यक्ष शेष नारायण झा ने इस पुनीत कार्य के लिए पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। असल में पिछले काफी दिनों से प्रखंड मुख्यालय में पत्रकारों को एक कमरे की आवश्यकता महसूस हो रही थी, ताकि जहां पत्रकार स्वतंत्र रूप से बैठ सके, अपनी काम कर सके, समाचारों का संकलन हो सके। लंबी प्रयास के बाद वर्तमान BDO ने पत्रकारों की परेशानी को समझा और पूर्व में पत्रकारों के दिए वचन के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के दिन कमरा उपलब्ध करा दिया। मौके पर पत्रकार विजय कुमार गुप्ता, शैफुल्ला इस्लाम दिवाक जो यहाँ पर हम लोग मुख्यालय में एक कमरा उपलब्ध हो जिसमें हम लोग बैठ सकें आराम से, हर लगे उस घर में बैठ कर, कि हम लोगों का ये अपना चैम्बर है, अपना ऑफिस है, हम लोगों से मिलने जुलने वालों को भी ये दिवाकर लाल, डॉक्टर शहजाद मंजर, राजन कुमार के साथ सभी लोग यहां पर मौजूद रहे हैं। बता दें कि ऐसे ही खासकर पत्रकार संगठन की बात करें तो केवटी के पत्रकार संगठन अपने पत्रकारों के लिए काफी एक्टिव है। दिन रात एक्टिव रहने वाले पत्रकार यहां के, जब कन्हैया लाल गुप्ता को एक सिरफुरे ने फोन पर धमकी डाली थी, इसके बाद सभी पत्रकार एक होकर वरीय पदाधिकारी से मिलते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करवाया गया था। आपको बता दें, ऐसे ही कवरेज देखते रहने के लिए भारत उदय समाचार को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। काटकर यह कमरा पत्रकारों को पत्रकार सदन के नाम पर आज सौंप दिया। सारे पदाधिकारियों को हमारी ओर से धन्यवाद है, हमारे संगठन की ओर से धन्यवाद है, हमारे साथियों की ओर से धन्यवाद है। नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी में है और साथ में अंचल अधिकारी में है, दोनों का हम लोग जो है सो कृतज्ञ होने से उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। और ये जो पत्रकार को जो एक बैठने की जगह दी गई, एक कमरा, एक कार्यालय दिया गया, इसके लिए उनको जाना भी साधुवाद दिया गया कम है और हम लोगों के लिए भी एक अच्छा मतलब कि स्थान मिल गया है कि हम लोग जब भी प्रखंड कार्यालय पर आते थे तो इधर उधर घूमते रहते थे, बैठने की जगह नहीं होती थी किसी कार्यालय में, किसी कार्यालय में, लेकिन अब ये कार्यालय मिल गया तो हमारा भी लगता है कि जो संविधान का चौथा स्तंभ है उसको कहने के लिए एक सम्मान देने की कोशिश की। धन्यवाद। देखिए, एक तो सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु को, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया जितने भी आप सब लोग हैं, सभी को हमारी तरफ से मुबारकबाद कि कम से कम एक बैठने की जगह प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा मिला। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने साहस किया और एक कम से कम पत्रकार के दुख दर्द को समझा और उन्होंने एक भवन दिया कि कम से कम पत्रकार को लेकर के कोई न्यूज वगैरह छापने या किसी न्यूज को कलेक्ट करने के लिए किसी आम आदमी को भी जरूरत पड़ती थी तो खोजना पड़ता था पत्रकार महोदय वगैरह को, तो कम से कम एक बात हुआ कि ब्लॉक में अब तलाशना नहीं पड़ेगा, एक कार्यालय है, लोग अपना सूचना, अपना कुछ भी हो, इसके माध्यम से पेपर और न्यूज में देना हो तो आराम से ऑफिस में आराम से दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमको लगता है केवटी जो है दरभंगा जिला में प्रथम प्रखंड होगा जहाँ प्रखंड मुख्यालय में एक पत्रकार का, पत्रकार को एक भवन भी मिला, एक ऑफिस भी हुआ। धन्यवाद। हम लोग बहुत दिन से इसके लिए प्रयासरत थे लेकिन हम लोग को सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन वर्तमान में BDO साहब जो हैं उन्होंने इस पर पहल किया और हम लोगों को ये कमरा दिया गया है जिससे हम लोगों को ये होगा कि प्रखंड मुख्यालय में रहकर समाचार का संकलन कर सके। इसलिए BDO साहब, CEO साहब और तमाम सहयोगी को बहुत बहुत